आगामी दीपावली पर्व पर लक्सर में लगने वाले पटाखों के बाजार के संबंध में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तहसील कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सीओ निहारिका सेमवाल, नगर पालिका और अग्निशमन विभाग व व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी वजह से किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। उन्होंने बताया कि नगर पालिका लक्सर को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली से पहले बाजार में देखें कि सड़कों पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है और बाजार की सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त कराएं। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। अभी को विदित है कि दीपावली नजदीक है और उससे पूर्व लक्सर क्षेत्र में एक पटाखा बाजार लगता है, तो पटाखा बाजार को लेके पुलिस के सीओ साहब है, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, नगर पालिका, चीनी मिल और व्यापार संघ सभी से और आपके फायर से सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे। और क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई विशेष दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिए हैं ताकि कोई घटना घटित ना हो। और इसके अलावा जो ईओ नगर पालिका है उनको बता भी दिया है कि उससे पहले आप लगातार वहाँ बाजार में ड्राइव भी चलाएंगे, कोई अतिक्रमण वगैरह ना हो और इस तरह की भी चीज ना हो कि पता चला दीपावली में कहीं आग लग रही है और हमने लड़िया या लाइटिंग इस तरह से कर रखी है कि हमारी साइकिल गाड़ी निकलनी नहीं रही है। देखिए, पटाखे बाजार को लेके पूर्व से स्थान चयनित किया हुआ है, जो हमारा शुगर मिल का जो ग्राउंड है उसमें लगता है। और उसमें पिछले बार तो हम लोग एक लाइन में लगाते थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा उनको ये किया है कि पांच पांच दुकानें लगेंगी उसके बाद गैप रहेगा, पांच दुकानें रहेंगी उसके बाद गैप रहेगा, इस तरह से हमने करवा रखा है।